वेलकम टू क्रिकेट इंसोमिया। क्रिकेट से जुड़ी सारी खबर आपको मिलेगी। कल WPL का फाइनल मुकाबला खेला गया दो टीमों के बीच, पहली देसी यानी दिल्ली कैपिटल और दूसरी RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। RCB जो है वो पहले पारी में कमजोर दिखी, दिल्ली की बल्लेबाजी थी और शेफाली बलवा अपने बेबाक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। वो बता रहे थे अपना खेल कैसे खेलती है, वो बता रही थी कि गेंदबाजों में दहशत कैसे उठाते हैं, वो बता रही थी कि बल्ला कैसे चलाया जाता है। शेफाली वर्मा 44 रन की पारी थी, परंतु उसके बाद कोई भी महिला खिलाड़ी नहीं चली और दिल्ली की पूरी टीम लड़खड़ा सी गई। RCB की तरफ से गेंदबाजी बहुत ही मजबूत तरीके से हुई, वर्चस्व जो गेंदबाजी का था वो कायम था, वो लग रहा था कि हाँ कोई टीम है जो गेंदबाजी कर रही है। RCB की तरफ से सोफी जो है 3 विकेट ली और पाटिल 4 विकेट चटकाई। दिल्ली की टीम जो है 113 रन पर लड़खड़ा गई, ऑल आउट हो गई। दिल्ली की टीम दहशत में थी, दिल्ली को फाइनल जीतना था, कैसे भी जीतना था, परंतु जीतना इतना आसान नहीं, इतना संभव नहीं, क्योंकि दूसरी टीम जो पहुंची है वो भी मुंबई को हरा के आई है। एक ऐसी टीम जिसमें हरमनप्रीत कौर जैसी बल्लेबाज कप्तान जो कि निडर तरीके से खेलती है, वो ऐसी खिलाड़ी जो कि अच्छे अच्छे गेंदबाजों को दूर चढ़ा दे, वो ऐसे खिलाड़ी जिनको पता है कि टीम को कैसे लेकर चलना है, नेतृत्व कैसे करना है, एग्रेशन से वो खड़ी हुई है। जब RCB उनको हरा कर फाइनल में पहुंची है तो RCB कमजोर तो नहीं होगी, क्योंकि स्मृति मंधना, पैरी और सोफी जैसी बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं, तो RCB तो वैसे भी कमजोर नहीं है। गेंदबाजी में दबदबा, गेंदबाजी में वर्चस्व RCB का दिखा, फिर बल्लेबाजी में भी ये लोग कमाल थे। बल्लेबाजी फिर RCB की है, यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की बल्लेबाजी और बल्लेबाजी की स्मृति मंधना, पैरी, ये सब खूबसूरत बल्लेबाजी की और 31-32-35 रन की इन छोटी छोटी पारियों के बदौलत RCB आसानी से ये मुकाबला जीत लिया। एक तरफ तो लग रहा था कि दिल्ली जो है हावी होगी, प्रथम विकेट जब गिरा RCB का तो लगा कि हाँ हो सकता है कि दिल्ली मजबूत जाए, दिल्ली जीते, परंतु वो कहते हैं ना कि RCB कमजोर नहीं है, हम परिंदे हैं जो उड़ना जानते हैं, हम परिंदे हैं जो लड़ना जानते हैं, कौन कहता है कि हार हमारी मुट्ठी में है, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, खेलेंगे, अपना नाम बनाएंगे और हम बताते हैं कि हम जरूर ट्रॉफी उठाएंगे। और उसी के तरीके से, उसी खेल की वजह से स्मृति मंधना जो कि कप्तान, वो ट्रॉफी उठाए WPL का। विराट कोहली ने भी शाबाशी दिया, विराट कोहली ने भी जो है वो स्टेटस लगाया, स्टोरी लगाई कि कॉन्ग्रेचुलेशन गर्ल्स, सुपर वुमन करके उनको जो है नाम दिया। और वो भी क्यों ना, एक खिलाड़ी विराट कोहली जो कि RCB के लिए इतने वर्षों से खेल रहे हैं, इतने वर्षों से अपना योगदान दे रहे हैं, जीत नहीं मिली, ट्रॉफी नहीं पाए, परंतु वो जो भावना RCB की हुए है सभी खिलाड़ियों में, सभी दर्शकों में, कमाल का है। RCB के सपोर्टर बहुत अच्छे सपोर्टर हैं, जीत मिले ना मिले, परंतु ये सपोर्टर, ये फैन खड़े रहते हैं। क्रिकेट से जुड़ी सारी खबर आपको मिलेगी, इधर देखते रहिए क्रिकेट इंसोमिया। मैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, प्ले स्टोर पर जाएं क्रिकेट इंसोमिया डाउनलोड करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय जय।